पासे पंजाब सरकार वालों पशुओं के विच फैली लंपी स्किन की बीमारी के कारण पशु मंडियां बंद करने के हुक्म जारी किए हुए हैं, लेकिन दूजे पासे इन्हां हुक्मां की उलंघना करते हुए खन्ना जीटी रोड उत्ते दूजी बार नाजायज तरीके नाल पशु मंडी लगा दी गई। तो मंडी की जानकारी मिलने तो बाद समाज सेवियों ने मौके पर पहुँच के मंडी लगाने के पिछे वड्डे घपले की आशंका जाहर की है। तो 3 घंटे की मुशक्कत तो बाद भी किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, 2 लंच पर 2 ढाई महीने बाद आए हैं, सानू पता होता सानू लौट के आवन की। फिर महाराज हम जिन्हें पता आए ने, जब सू पता ही नहीं तो फिर किन्ने लोग आए थे अज्ज? कोई नहीं देखा सी, गड्डी अंदर बाड़ी है, गड्डी अंदर बाड़ी है, जब हम चाबी ले ली। हाँ जी, थोड़े सामने गड्डी में अंदर बाड़ी है, तुम चाबी ले ली। महाराज कहते गाइयां नूं बीमारी चली है, असीं तां घर बैठे सी, सानूं नहीं पता हुण दुनिया वेखो वेखे सही आ गई। मैं जिहड़ी पंजाब सरकार वल्लों चली हुई डंगरां दी बीमारी नूं रोकण वास्ते मंडियां बंद कीतियां पंजाब सरकार ने, उह मंडियां बंद होण दे बावजूद भी इत्थे फिर चलदियां ने। अज्ज सवेरे ग्रुप यूनाइटेड ग्रुप ते बाकी ग्रुपां दे विच्चों जां देखिया वी इत्थे डंगर मंडी लगी हुई है, तां प्रशासन नूं जगाया, प्रशासन आया, प्रशासन दे नाल मिल के असीं भी आए, तुसीं भी आए, पत्रकार वीर भी सारे आए, ते देखिया ते बाकी तां बंदे देख के भज गए, ते 2-3 जिहड़े टैंपू ते उत्थे फड़े होए ने, कुछ डंगर बन्ने होए ने इत्थे, ओह मुसलमान ने उत्थे दे अपने यूपी दे, ओह बन्न के भज गए इत्थों, ते कुछ इधर अंदर नूं भज गए, कुछ उधर नूं भज गए। ते इक SHO सदर दी गड्डी जरूर उत्थे खड़ी देखी आ, होर कोई बंदा नहीं देखिया। CID वाले इत्थे आए ने, उन्हां नूं डर नहीं किसी प्रशासन के बंदे नूं भी, CID भी इत्थे फिरदी आ, जां IB वाले फिरदे ने इत्थे, ते जां भी इन्हां दा कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन की मिली भुगत नाल हुंदा सारा कुछ। प्रशासन चाहे तो पता नहीं हलण दिंदा, जां असीं एक समाज सेवक इकट्ठे होकर इत्थे आ सकते हैं जी, प्रशासन नूं नहीं दिंदा। डिप्टी साहब नाल सवेरे गल हुई सी BLM JG नाल, वह कहिंदे भी SHO सदर अते BDO ने भजाते। उधर समाज सेवियों वालों की गई 3 घंटे की मेहनत मुशक्कत तो बाद भी किसी खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस वालों नहीं की गई। तो DSP हरपाल सिंह के मुताबिक जेकर BDPO दफ्तर तो उन्होंने शिकायत दी जाएगी तो ही उन्होंने वालों कोई कार्रवाई अमल में लिया जाएगी। BDPO वालों साढ़े SHO सदर में इनफॉर्मेशन आई सी वे इलीगल है, सरकार वालों लंपी स्किन डिजीज करके बंद की हुई है, इस करके जी मंडी है फिर बंद करवाई गई है। इस तो बाद जो कोई उलंघना करूगा तो वो खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोई समझा के वापस भेजता, उन्होंने फिर नॉलेज नहीं सी, उन्होंने दस के वापस भेजता, फिर लीगल एक्शन लवेंगे, जो अकॉर्डिंग टू लॉ कोई होगी वो लवेंगे। उधर नजायज तरीके नाल पशु मंडी लगन दे मामले ते जदों BDPO दे नाल गलबात कीती गई तां उन्हां साफ तरीके नाल कहा है कि जेकर अगली बार मंडी लगी तां उन्हां वल्लों कार्रवाई जरूर कीती जाएगी। जदों मैनूं पता लग्गा सवेरे पशु मंडी लगी है तां मैं उस वेले जाके मौके ते उत्थों पशु मंडी वालिआं नूं वापस भेजता, पुलिस वी आ गई सी मौके ते, उन्होंने खदेड़ता से उत्थों, तो उन्होंने सख्त हुक्म किए थे कि जो तक सरकार के हुक्म ने इतने कोई पशु मंडी ना लाई जाए। मैंने पहला भी लगाई गई थी, उसके बावजूद नहीं हट रहे थे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं जी प्रक्रिया चल रही है अपने वालों? हाँ जी, असी उन्होंने वैसे मना किया है, पेपर च भी दे रहे हैं हूँ कि जो तक सरकार के हुक्म ने मंडिया बंद कर दे पशु मंडी ना लाई जाए, कानूनी कार्रवाई की जाऊगी जी। की मैसेज देना चाहते पशु व्यापारियों को भी, यह एक दो चिट्ठी प्रदान कर देने के बाद पशु लेके आओ, पशु व्यापारियों को की कहोगे? पशु व्यापारियों तो मैं ही कहूँगी कि जब तक लंपी स्किन डिजीज की प्रॉब्लम चल रही है पशुओं में तो इतने मंडी ना लाई जाए, तो जो सरकार वालों रोक हटा ली जाऊगी तो उदो बेशक मंडी तो ला सकते हैं। जगबाणी TV ਲਈ ਗੁਰਤੇਜ ਰਾਜੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।